गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, है ना. एंड वी हैव डिस्कस व्हाट आर द रीजंस फॉर केमिकल कॉम्बिनेशन एंड व्हाट आर वी आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट हेडिंग. यू कैन मेक टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वी आर हैविंग. Basically, we are having two types of bonds majorly. First one is interatomic. That is, इन्हें हम लोग primary bond भी बोलते हैं, क्योंकि पहले ये बनते हैं, है ना. And that are relatively strong bond. तो ये strong bond होते हैं. तो interatomic का मतलब ही होता हमारा bonds formed between atoms. ठीक है, तो ये एटम्स के बीच में बनते हैं. तो पहले टाइप के बॉन्ड हमारे इंटर एटॉमिक होते हैं. एटम सेम भी हो सकते हैं और एटम आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स, और ये होते हैं हमारे किस किस टाइप्स के. आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड. ओके, देन वी विल गो फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड को भी चाहो तो आप ले सकते हो, जो मेटेलिक लैटिस में बनता है ना. मेजरली वी विल डिस्कस आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो ये हमारे इंटर एटॉमिक बॉन्ड है, दैट आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बॉन्ड. ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, एटम्स के बीच में होते हैं. एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना. तो दिस ऑल आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इनकी बॉन्ड एनर्जी 200 से 400 किलो जूल के आसपास, मतलब रिलेटिवली हम लोग बोल सकते हैं हाई होती है, इन द ऑर्डर ऑफ 200 to 400 किलो जूल पर मोल. वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. एंड सेकेंड इज अवर इंटर मोलिकुलर, जो एक तरह से हमारे लिए सेकेंडरी बॉन्ड की तरह भी काम करते हैं. ये रिलेटिवली वीक होते हैं ना? और ये चूंकि इंटर मॉलिक्यूलर है, दैट मीन बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स. तो ये आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं, और इसमें हमारे लिए मेजरली दो बॉन्ड आएंगे. फर्स्ट वन इज वंडरवॉल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवॉल बॉन्ड. एंड सेकेंड वन इज अवर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना. इनकी बॉन्ड एनर्जी लो होती है, एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर 2 to 40 किलो जूल पर मोल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. इट मे बी इंटरमोलिकुलर और इट मे बी इंट्रामोलिकुलर. तो हाइड्रोजन बॉन्ड वी विल अगेन सी इट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इंटर मोलिकुलर, एंड सेकेंड वन इज अवर इंट्रामोलिकुलर. सो वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस दिस ऑल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन दिस चैप्टर. एंड फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ आयनिक बॉन्ड. तो नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन इच टाइप ऑफ बॉन्ड. एंड फर्स्ट बॉन्ड इज अवर
आयनिक बॉक्स विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, विच इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड. एज द नेम सजेस्ट इट इज आयोनिक बॉन्ड. एंड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ आयन. फर्स्ट वन इज केटायन एंड सेकेंड वन इज एनायन. है ना, केटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनायन इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो केटायन बनाएगा, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनायन बनाएगा, और केटायन एनायन मिलकर क्या बना देंगे आपका कंपाउंड. उनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो आयनिक बॉन्ड होता है. तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, इट इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन. इसलिए आप NaCl की अगर आप देखते हो तो NaCl को आप केवल NaCl ही लिखते हो, आप Na और Cl के बीच में डंडा नहीं दिखाते हो. जैसे HCl में तो हम लोग क्या करते हैं, H डंडा दिखाते हैं. डंडा किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड को. सिंगल मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल मतलब ट्रिपल बॉन्ड. तो आयनिक बॉन्ड कोई आपका बॉन्ड नहीं है, इट इज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है ना, और आयनिक बॉन्ड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज नॉन डायरेक्शनल. बिकॉज अगर मैं एक केटायन यहां रख दूं और एनायन अब मैं इस पूरी स्पेस में कहीं भी रखूं, उनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा. तो किसी भी डायरेक्शन से आ जाए, इसलिए आयनिक बॉन्ड को नॉन डायरेक्शनल बोला जाता है. तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, है ना, कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन केटायन एंड एनायन is known as ionic bond. Bond formed between cation and anion is known as ionic bond. ठीक है ना, या और करके ना, in the last class we have told कि the reason of cause of chemical combination is every element wants to lower its energy so that it can gain स्टेबिलिटी एंड सेकेंड इट वॉन्ट्स टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है ना, अब ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट के पास दो तरीके होते हैं. पहला, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करे. तो कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. ठीक है ना, एक जना लूज करके अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करता है, दूसरा गेन करके अपना ऑक्टेट कम्प्लीट करता है. तो दैट्स व्हाई हम लोग सेकेंड डेफिनेशन ये भी देते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, है ना, बाय की जगह फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड टर्म बिटवीन, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट नेचर, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट नेचर बाय, है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ऑफ टू डिफरेंट two elements of different nature by complete transfer of electron is known as ionic bond. ठीक है ना, so suppose for example कि we are considering the formation of NaCl. अब NaCl किस तरह से बनेगा, सबसे पहले आपका formation of होगा किसका, Na plus. ना अब Na plus कैसे बनेगा मेरा, Na प्लस बनेगा मेरा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना, तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, Na गैस ने, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन. दैट इज फर्स्ट स्टेप इज अवर फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस, मतलब जनरल बोले तो केटायन. पहले केटायन बना Na प्लस. अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर लूज हुआ है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, है ना, दूसरा क्या कर लेगा, गेन. तो दैट इज सेकेंड स्टेप वी कैन से फॉर्मेशन ऑफ आवर Cl माइनस, एंड इट इज फॉर्म बाय किससे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ किसका, एनायन. तब आपका एनायन बनेगा, और एनायन कैसे बनेगा, Cl गैस जो होगा
वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा आपका Cl माइनस गैस। तो उसने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा वहां पर फर्स्ट स्टेप में, इसने उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया आपका गेन कर दिया, है ना। अब ऐसा हुआ क्यों भैया, इफ आई एम गोइंग फॉर सोडियम, तो सोडियम का अगर मैं जेड देखता हूं एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, व्हाट इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या कर दिया, किस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया 2 8, मतलब इसने अपना ऑक्टेट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब अगर नीचे देखूं Cl, व्हाट इज द जेड ऑफ क्लोरीन 17, ठीक है ना, 17 का मतलब क्या है 2 8 7। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर लिया 2 8 8। सोडियम Na+ का कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया इक्विवेलेंट टू किसके हो गया, नियॉन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबिलिटी मिल गई इसे। Cl- का कॉन्फ़िगरेशन इज अगेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसने भी किसको ऑब्टेन कर लिया, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और तीसरे स्टेप में जाकर तो आयनिक बॉन्ड हमेशा इस तरह से 3 स्टेप में बनता है, पहली स्टेप केटायन का बनना, दूसरी स्टेप एनायन का बनना, तीसरी स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। ठीक, अब फॉर्मेशन ऑफ लैटिस से मतलब क्या, हमारा Na+ गैस और ये Cl- गैस दोनों जोड़कर बना देंगे क्या हमारा NaCl सॉलिड, एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। और हमें पता है कि बॉन्ड दो रीजन से बन रहा है, लोअरिंग ऑफ एनर्जी, एनर्जी कम करने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यू कैन सी कि आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मिल ही चुका है, साथ ही साथ मुझे पता है कि गैसियस स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है कि सॉलिड स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, सॉलिड। तो अगर आप ये अनस्टेबल फेस है और वो कौन सी फेस है आपकी स्टेबल, तो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट टू स्टेबल स्टेट, तो इस प्रोसेस में लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, तो लोवरिंग ऑफ एनर्जी भी हो गई, इस वजह से हमारा क्या हो गया, काफी ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है ना। और NaCl को आप हमेशा NaCl ही बनाते हो क्योंकि ये बेसिकली 3D लैटिस होता है। अगर हमारा सुना हुआ हो सॉलिड स्टेट से थोड़ा सा आइडिया कि एक Na+ सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड आयन से, ठीक है ना। अगर मेरे पास एक Na+ रखा हुआ, ये सब सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे, तो 6 क्लोराइड आयन होते हैं। अब 6 कहां से आएंगे, एक लेफ्ट में है अगर x डिस्टेंस पर, तो एक राइट में होगा x डिस्टेंस पर, एक ऊपर होगा x डिस्टेंस पर, तो एक नीचे, सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। क्यों, बिकॉज हर आयन की रेडियस क्या है आपकी, फिक्स है, ठीक है ना। Na+ की भी रेडियस फिक्स है और Cl-, तो अगर इस Na+ और लेफ्ट वाले Cl- के बीच की डिस्टेंस x है, तो इधर भी x डिस्टेंस पर, ऊपर भी x डिस्टेंस, नीचे भी x डिस्टेंस मेरी तरफ भी और x डिस्टेंस आपकी तरफ भी, तो इसलिए एक Na+ 6 क्लोराइड को सराउंड करता है। इन द सिमिलर वे एक क्लोराइड भी क्या करेगा, 6 सोडियम को सराउंड करेगा, और इसका एक पूरा 3 डायमेंशनल लैटिस बन जाता है। आयनिक कंपाउंड को आप कभी भी NaCl ये नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये कोई बॉन्ड नहीं है। हम लोग हमेशा इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये Na+ और Cl- के बीच में क्या है आपका, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस तरीके से। जब भी कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो उसकी, जैसे कोवेलेंसी वर्ड होता ना, कोवेलेंसी मतलब वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रोवेलेंसी का मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है। So that's why this bond is known as electrovalent bond. Okay. So it's simply you can also note down okay? So ionic bond is not a bond. Basically, so ionic bond is not a bond, it is simply force of attraction. Ionic bond is not a bond, it is simply
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन. इट इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन केटायन एंड एनायन. अगर आपको इसकी LDS जो इस चैप्टर में काफी ज्यादा पूछी जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LDS, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, है ना. तो अगर किसी आयनिक कंपाउंड की या किसी भी कंपाउंड की LDS बनाने को दी जाती है, LDS में हमेशा आप, है ना, हर एलिमेंट के जितने भी एटम आ रहे हैं उसमें, उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाते हो. अब अगर मैं जैसे NaCl की LDS बताऊं, तो Na प्लस, अब इसके बाद आउटर मोस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, और ये इसे क्या कर चुका है, लूज कर चुका है, तो इसलिए इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना. बट Cl के लिए आप माइनस चार्ज भी दिखाओगे, इसके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी कितने थे, 7, और एक गेन करके एक इसमें बदल चुका है 8, तो आप इसमें अब 8 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे. उन 8 इलेक्ट्रॉन में से 7 तो इसके खुद के हैं, इसलिए मैं सेम कलर से दिखा रहा हूं, और एक आपका इसने गेन करा है किससे, सोडियम से. तो अगर मुझे NaCl के LDS लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को दी जाए, तो आई विल शो Na प्लस Cl माइनस, इस तरीके से हमारा बन जाएगा, ठीक है ना. इन द सिमिलर वे इफ यू आर कंसिडरिंग वन मोर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ MgO सॉलिड, कि MgO सॉलिड आपका किस तरीके से बनेगा. तो MgO सॉलिड किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले Mg गैस क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट होगा Mg प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. तो ये Mg प्लस 2 बना यहां से हमारा फर्स्ट स्टेप में S1, स्टेप 2 में फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हो गया, नाउ एनायन विल बी फॉर्म, ऑक्सीजन गैस इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा O माइनस 2 गैस में, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एनायन. थर्ड स्टेप में Mg प्लस 2 और O माइनस 2 रिएक्ट करके लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे, तो Mg प्लस 2 प्लस O माइनस 2 विल कंबाइन एंड गिव MgO सॉलिड. एंड फॉर LDS अगेन, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, क्योंकि इट वॉज 282 एंड नाउ इट इज 28. फॉर ऑक्सीजन इट वॉज इनिशियली 26 एंड नाउ इट इज 28. तो आई विल फॉर LDS आई विल शो सिंपली Mg प्लस 2 O माइनस 2 इन विच 6 इलेक्ट्रॉन are of oxygen and 2 electrons it is gaining for magnesium. ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी कंपाउंड, जैसे अगर मुझसे बोल रहा है फॉर्मेशन ऑफ K2S, आई कैन ऑल्सो शो, जो बुक्स में एक तरीका होता है शो करने का, वो एक तरीका ये भी है ना, K2S. तो K2S में क्या हो रहा है, अगर मैं सल्फर को देखता हूँ, सल्फर के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और पोटेशियम को अगर मैं देखता हूँ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 286, तो पोटेशियम को देखता हूँ तो इट इज 19, मतलब 2881, ठीक है. इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास क्या है आपका, एक्स्ट्रा रखा हुआ है. तो बुक्स में कभी कभी इसे इस तरीके से भी शो करा जाता है कि पोटेशियम ने अपना ये इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इस पोटेशियम ने भी अपना ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, सल्फर को, ठीक है ना. जैसे ही पोटेशियम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये भी K प्लस बन गया, विच इज 288, नीचे वाला भी क्या बन गया, K प्लस, दैट इज 288, और सल्फर जो था अब वो कन्वर्ट हो गया किसमें, मेरा सल्फाइड में, और ये भी क्या हो गया, 288. सबने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, द 2K प्लस प्लस S माइनस 2, इट विल गिव यू K2S. तो इन दिस वे आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म.
अब हमसे जो एडवांस लेवल में क्वेश्चन जैसे बढ़ाता जाएगा ना कि आयनिक बॉन्ड सेम एलिमेंट्स के बीच में बनेगा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में बनेगा, है ना। आयनिक बॉन्ड कभी भी सेम नेचर के एलिमेंट्स के बीच में नहीं बन सकता, ये हमेशा डिफरेंट नेचर के एलिमेंट्स के बीच में बनेगा। डिफरेंट नेचर कैसे हो रहा है, एक सब्सटेंस हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब एक मेटल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए हमारा, नॉन मेटल, ठीक है ना। तो वी कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कि आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर। आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेचर, दैट इज वन एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वन एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इन ब्रैकेट यू कैन राइट कि इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन, वन एलिमेंट शुड बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन ब्रैकेट इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन, while another should be electro negative, while another should be electro negative in bracket में easily gains electron, ठीक है। तो इसीलिए आपका नीचे हम लोग बोल सकते हैं कि metal plus non metal ये दोनों मिलके ही कौन सा bond बनाते हैं, हमारा ionic। एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। अब पीरियोडिक टेबल में है ना, जो हम लोग कॉमनली ज्यादा बनाएंगे मेटल वाले ग्रुप वो G1, G2 और G3, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल और क्या आपका बोरॉन फैमिली वाले। नॉन मेटल की अगर आप बात करोगे तो स्पेशली ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 और ग्रुप क्या हमारा 17, तो इनके बीच में बनने के चांस है ना। G1 की अगर आप बात करोगे है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ये हमेशा इनकी अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करूं है ना, तो आप पहले नीचे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी को डिफाइन ही कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कोवैलेंसी डिफाइन करते हैं, वैसे आयनिक बॉन्ड के लिए वी डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लॉस्ट और गेन्ड बाय द एलिमेंट, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाती है। जैसे G1 वाले सभी एलिमेंट है ना केवल एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है, और ये केवल एक क्यों करेंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ig(NS1) होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट। अगर मैं G2 की बात करता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बैरियम, इन सभी की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2, क्योंकि
है ना, फिक्स्ड है आई जी एन एस टू जी थ्री क्या एस टू स्टेबल मतलब हाँ तो क्या हो गया ये कौन सा तरीका हो गया स्टेबल है तो लूज क्यों करेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लूज ऑक्टेट कंप्लीट दो ना स्टेबल होने से क्या इससे ज्यादा अच्छा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा NS2 ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कि NS2 NP6 ज्यादा स्टेबल है तो वो उसे गेन करना चाहेगा हर चीज लोअर स्टेबिलिटी से किसमें जाएगी स्टेबिलिटी से हाँ अगर आप ये बोलो कि G1 वाला आसानी से लूज करेगा कि G2 वाला तो G1 वाला आसानी से लूज करेगा G2 वाला रिलेटिवली डिफिकल्टी से करेगा बाकी G2 वाला भी करेगा ही ऐसा नहीं करेगा है ना G3 मतलब कॉमनली हम लोग कौन सा लेते हैं जैसे एल्यूमिनियम गैलियम तो इनमें भी बनाने की टेंडेंसी होती है इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी हमारा 3 हाँ तो ग्रुप 13 मेरे को लिखना है G3 लिख दिया जी अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो ये नाइट्रोजन फैमिली हो जाती है नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी ये सब चाहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ये ऊपर वाले तीनों तो क्या कर रहे हैं हमारे लूज कर रहे हैं अब नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं हमारा गेन कर रहे हैं ठीक है ना तो हम लोग लूज गेन को प्लस माइनस ऐसा करके अलग अलग नहीं दिखाएंगे बिकॉज द इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन में शामिल ही है चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे चाहे वो गेन करे तो इनकी भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है बिकॉज अब इनके लिए ज्यादा बढ़िया तरीका इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आई जी एन एस टू और एन पी 3 है ना आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बजाय ये चाहेंगे कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर ले गेन कर ले तो इस वजह से इलेक्ट्रोवैलेंसी इनकी क्या हो गई 3 हो गई जी 16 वालों के पास भी ये टेंडेंसी काफी ज्यादा है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है बिकॉज आई जी एन एस 3 एन पी 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने की बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा बढ़िया ढंग से एक्सेप्ट करना चाहेंगे और जी 17 की बात करूं तो इट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी आपकी 1 है बिकॉज कॉन्फिग्रेशन इज आई जी एन एस 2 एन पी 5 ठीक है जिसमें 4 होगा ना बेटा तो नॉर्मली क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करना काफी डिफिकल्ट होता है इस वजह से अगर आपको पता हो तो कार्बन जो है वो नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है क्योंकि उसके लिए अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे तो 2 तरीके या तो शेयरिंग कर ले शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट या फिर वो क्या करे 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करे या 4 को गेन करे तो 4 को लूज या गेन करने में एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती काफी ज्यादा हो जाती फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता एक तो सेकेंड कार्बन क्या है सेकेंड पीरियड का अब सेकेंड पीरियड का तो वैसे ही छोटा है अब छोटा होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में भी बैंड बच जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन देने में भी बैंड बच जाएगा उसका रख ही नहीं पाएगा है ना एंड देर आर सर्टेन एलिमेंट्स जो अपनी साथ में कौन सी वैलेंसी शो करते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी जैसे ये वाले जो अभी हमने लिखे इनकी तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है आपकी फिक्स है ये वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी वाले हैं जैसे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी रख सकते हैं लाइक Fe 2 भी शो कर सकता है और Fe आपका 3 भी शो कर सकता है
ठीक है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा ग्रुप्स के बीच का, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ या आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। सबसे अच्छा आयनिक बॉन्ड इसलिए हमेशा G1 और G17 के एलिमेंट्स के बीच में बनता है ना, और मोस्ट इफेक्टिव आयनिक बॉन्ड बोले तो G1 का कौन सा वाला एलिमेंट ले लो लास्ट, क्योंकि मुझे पता है कि डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो सबसे ज्यादा मेटलिक कैरेक्टर किसमें होगा, मेरा सीडीएम में, ठीक है ना। और उधर क्या करें, G17 का सबसे पहला वाला मैं उठा लूं, तो अगर मैं सीडीएम और फ्लोरीन को ले लेता हूं तो इनका आयनिक बॉन्ड मेरे लिए क्या होगा, सबसे बढ़िया। तो हम लोग इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि हायर इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दैट इज इन टर्म्स ऑफ ग्रुप नंबर, है ना, इसको जरूर ध्यान रखना। हायर इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड मोर विल बी आयनिक कैरेक्टर इन द बॉन्ड, जैसे हमसे छोटे मोटे क्वेश्चन, जो अगेन सिंस इनऑर्गेनिक है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता, कि अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, तो हमें सीधा सीधा पता है कि आयनिक कैरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के। तो अगर मैं आपसे जैसे पहला क्वेश्चन दूं कि है ना, फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल, कि फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल का इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर बताओ, तो अब मैं क्या बोलूंगा उनका इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर, है ना, LiF में सबसे कम, फिर NaF, फिर KF, फिर RbF, और फिर क्या हमारा CSF, और अभी मैंने बोला कि CSF क्या है हमारा, मोस्ट आयनिक, क्योंकि इससे ज्यादा आपको आयनिक कैरेक्टर किसी भी बॉन्ड में नहीं मिल सकता है। तो मोस्ट आयनिक कंपाउंड अगर कभी मुझसे पूछा जा रहा है तो वो आपका CSF होगा, ठीक है ना। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कॉन्सेप्ट से बोलें तो G1 और G17 के बीच का आयनिक बॉन्ड सबसे बढ़िया होगा, है ना। अब ऐसे कुछ भी दे रहा है जैसे आपसे, ठीक है, फ्लोराइड्स ऑफ एल्कली मेटल दिए, अब जैसे आपसे बोल रहा है कि हैलाइड्स ऑफ सोडियम, सोडियम के हैलाइड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर में अरेंज करो ना, ऊपर हमने नॉन मेटल को फिक्स रखा है और किसको चेंज कर रहे हैं, मेटल को। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब इधर मैंने मेटल को फिक्स कर दिया, दैट इज सोडियम, और चेंज कर रहा हूं मैं किसको, नॉन मेटल, मैंने लिखा है हैलाइड्स। तो नॉन मेटल्स के लिए भी क्या रूल है, जैसे जैसे मैं नीचे जाते जाऊंगा तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनडायरेक्टली क्या होगी, कम। तो सबसे अच्छा जो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा वो किसमें होगा, NaF में, और सबसे कम किसमें, NaI। तो इंक्रीजिंग कैरेक्टर बोल रहा है तो NaF लेस देन NaBr, लेस देन NaCl, लेस देन NaI, NaF, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपसे कभी भी आयनिक कैरेक्टर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि आयनिक कैरेक्टर हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी कैन से एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, हैलाइड्स ऑफ सोडियम। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज पूछता है कि आखिर किस तरह से एनर्जी लोअर हो रही है, तो अगली
चीज वही है हमारा एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितनी चीजें आयनिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रही हैं सब चीजें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन सी एनर्जी की टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं? टोटल तीन टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं एनर्जी की। पहली एनर्जी है कौन सी है हमारा? आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, विच इज इन्वॉल्व इन किसके अंदर? फॉर्मेशन ऑफ केटायन। ठीक है, अगर केटायन बन रहा है तो केटायन बनने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? लूज। एंड इन पीरियोडिक टेबल वी हैव लर्न कि अगर आप किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ केटायन। एम गैस प्लस इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें? एम माइनस गैस। दूसरी जो एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होती है इट इज ई ए मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट इज इन्वॉल्व इन किसके अंदर हमारा? फॉर्मेशन ऑफ एनायन। एनायन के बनने में क्या लिख रहा हूं? एम गैस गिव्स एम प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। अब एनायन बनना है, मान लीजिए एक्स गैस है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एक्स माइनस गैस में। ठीक ना, फर्स्ट वाली प्रोसेस में आपकी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है केटायन के बनने में। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन था वो मुझे तोड़ना है, तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट मीन एनर्जी इज एब्जॉर्बिंग। और सेकेंड वाली प्रोसेस में उल्टे एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि है ना, ऊपर वाली प्रोसेस नीचे वाले का जस्ट क्या हो गया हमारा? अपोजिट हो गया। एक बार केटायन एनायन बन जाते हैं थर्ड स्टेप है ना, फर्स्ट टू टर्म्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन पीरियोडिक टेबल और ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा फैमिलियर है। थर्ड टर्म इज नहीं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। ये एम प्लस और एक्स माइनस अब आपस में जुड़कर एक लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, एम एक्स सॉलिड है ना। लैटिस का मतलब भी होता 3D नेटवर्क। अब इस प्रोसेस में भी अभी मैंने बोला दिस इज अनस्टेबल दिस इज स्टेबल, मतलब आप अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल में जा रहे हो तो फिर से आपकी जो एनर्जी होगी क्या होगी? रिलीज होगी। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम लोग बुलाते हैं कौन सी? लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी अब हमारे लिए यहां पर एक नई टर्म है, हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी? एनर्जी रिलीज्ड है ना व्हेन वन मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस आयंस। अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के वन मोल को ना, आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट हमेशा सॉलिड होती है, तो अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड के वन मोल को बना रहे हो उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस आयन। आइसोलेटेड गैसियस आयन को होना कंपल्सरी है। और आप एनर्जी रिलीज वर्ड डाल रहे हो तो रिलीज वर्ड तब होगा जब आयनिक कंपाउंड बन रहा होगा, क्योंकि इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर NaCl है उसे मैं तोड़ दूंगा तब मैं बोलूंगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो दोनों लैटिस एनर्जी ही है। अगर टूट रहा हो तो हम लोग वर्ड एनर्जी एब्जॉर्ब बोलेंगे, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। बन रहा होगा तो मैं एनर्जी क्या बोलूंगा? रिलीज। ठीक है ना, तो हमारे लैटिस एनर्जी यहां पर इंपॉर्टेंट होती है। जितना अच्छा लैटिस बनेगा
उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या होगी आपका रिलीज होगी, है ना। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी लोवरिंग ऑफ एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब कंपाउंड को स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए लैटिस एनर्जी का हमारा जो फंडा है जितना ज्यादा होगा कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब अगर मुझसे बोल रहा है कि व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो अब फेवरेबल कंडीशंस के लिए क्या क्या बोलूंगा मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए, लो, क्योंकि ये तो देनी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई और लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए, जितना ज्यादा रिलीज हो उतना ही बढ़िया है। सो आवर फेवरेबल कंडीशन ठीक है ना, एक मेटल होनी चाहिए एक नॉन मेटल होनी चाहिए, जितना डिफरेंस हो वो भी फेवरेबल कंडीशन है। और एनर्जी के टर्म्स में अगर फेवरेबल कंडीशन बोलेगा तो वी विल से आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम, जितनी कम से कम हो। और पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता ही होगा सबसे कम होती है किसकी, सीजियम की, है ना। तो सीजियम के कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और लैटिस एनर्जी भी हमारा मैक्सिमम, जितना ज्यादा हो। तो दीज आर द मोस्ट सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किसके लिए, हमारा आयोनिक बॉन्ड। ओके, लैटिस एनर्जी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो नाउ वी आर गोइंग इन डिटेल कि लैटिस एनर्जी को कैसे डिटरमाइन करेंगे और इसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग अगली चीज लिखेंगे हमारा डिटरमिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। हाँ कहा, फ्लोराइड्स ऑफ फ्लोराइड्स हाँ, एफ माइनस को फ्लोराइड ही कहते हैं बेटा, एल्कली मेटल AM। एफ माइनस को ना जहां तक मुझे पता है कि फ्लोराइड ही कहते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा डिटरमिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि देयर इज नो डायरेक्ट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, बट इट कैन बी इनडायरेक्टली कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बॉर्न हेबर साइकिल। शॉर्टकट में हम लोग इसे BHC लिखेंगे, ठीक है। अब क्या मीनिंग होता है बॉर्न हेबर साइकिल, मतलब एक पूरा आप क्या सेटअप करोगे अपना साइकिल, और उस साइकिल में आपको जो डिफरेंट टर्म्स यूज में आएंगी, आयनाइजेशन एनर्जी का भी यूज होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यूज होगा, लैटिस एनर्जी का भी यूज होगा, एक और इलेक्ट्रो थर्मोडायनेमिक्स की टर्म होती है हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन, यू नो, हीट ऑफ फॉर्मेशन को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एच एफ। डेल्टा एच का मतलब हीट ऑफ रिएक्शन होता है, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को हम लोग डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। अब इसमें चूंकि फॉर्मेशन बोल दिया तो नीचे मैंने बस उसके लिए क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, है ना। क्या डेफिनेशन होगी हीट ऑफ फॉर्मेशन की, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ एनी
compound is formed from its elements. Be careful, thermodynamics की definition है, एक मोल को बनाना है कंपाउंड को, बट वो एलिमेंट से बनाना है ना। लैटिस में भी आप कंपाउंड को ही बना रहे थे, एक मोल को ही बना रहे थे, क्योंकि एनर्जी की जो भी टर्म आएगी आईयूपीएसी ने फिक्स कर दिया है। एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव मतलब जो किसके ऊपर डिपेंड करती, मास के ऊपर। तो अनलेस अदरवाइज मेंशन आपको एक मोल बनाना है, ठीक है ना। अब कैसे बना रहे हो उससे डेफिनेशन बदल जाएगी। लैटिस के लिए आप उसे बना रहे थे किससे, आइसोलेटेड गैसियस आयन से। अब आप उसे बना रहे हो किससे, एलिमेंट से। और एलिमेंट्स भी कैसे, बाय इट्स एलिमेंट्स विच शुड बी इन, है ना, प्योर एंड स्टेबल फॉर्म। एक तो एलिमेंट से बनाना है और ऐसे एलिमेंट से बनाना है जो अपने प्योर एंड स्टेबल फॉर्म में हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे NaCl सॉलिड इसे बनाना है, तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की क्या इक्वेशन लिखूंगा आपको, है ना। बनाना है तो डेफिनेटली इट विल अपियर इन द प्रोडक्ट साइड, तो आप एरो अपना डाल दो, ठीक है ना। अब बस आपको बनाने के लिए इतना देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन। व्हाट इज द प्योर एंड स्टेबल फॉर्म ऑफ सोडियम, सोडियम नेचर में आपको किस फॉर्म में मिलता है, Na सॉलिड के फॉर्म में, है ना। मोनो एटॉमिक है और सॉलिड के फॉर्म में, चूंकि एक एटम था वहां पर भी, यहां पर भी एक ही है, ठीक है ना। क्लोरीन नेचर में प्योर एंड स्टेबल फॉर्म किस फॉर्म में मिलता है, Cl2, और वो भी क्या, गैस, ठीक है ना। तो आप इसे Cl2 गैस लोगे, बट चूंकि वहां पर वन मोल था, वन एटम है, इसलिए हाफ कर दिया। तो दैट्स व्हाई थर्मोडायनेमिक्स जब हम आप पढ़ोगे उसमें एक एक डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस, हीट ऑफ फॉर्मेशन की मुझे जरूरत पड़ी थी, मैंने बताया। लैटिस एनर्जी भी वहां पर भी हम लोग दोबारा पढ़ते हैं, तो दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस देखिएगा। ये आयन से बन रहा था, आयन से बनने के लिए लैटिस एनर्जी वर्ड यूज होगा, और कंपाउंड एलिमेंट से बनते वक्त कौन सा वर्ड यूज होगा हमारा, हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो अब ऐसे बन गया भैया, ठीक है ना। इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसी को मैं उसका क्या बोलूंगा, डेल्टा HF। अब चूंकि मुझे डिटरमाइन तो किसको करना है, लैटिस एनर्जी को, तो इसलिए मैं पूरा एक साइकिल सेटअप करूंगा, और उस साइकिल का नाम ही क्या होगा, बॉर्न हेबर साइकिल, है ना। अब मैं इसी NaCl सॉलिड को बनाऊंगा किससे, आयन से। अब कौन कौन से आयन चाहिए मुझे, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब मैं इधर देखूं कि मैं Na प्लस को कैसे बना सकता हूं। सबसे पहले मैं इसे S, है ना, S का मतलब है कौन सी एनर्जी, सब्लिमेशन, ठीक है। क्या मीनिंग होता है सब्लाइम होने का, सॉलिड फॉर्म से सीधे गैसियस फॉर्म में बदलना, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा सब्लिमेशन। तो अगर आप इसे सब्लिमेशन एनर्जी दे दोगे तो ये आपका Na सॉलिड से किस में बदल जाएगा, Na गैस, एक काम हो गया आपका, ठीक है ना। अब आप इसे Na गैस से किस में बदलना चाहते हो, Na प्लस गैस, ठीक है ना। दैट मीन्स आप केटायन को बनाना चाहते हो, तो अब इसे कौन सी एनर्जी दोगे आप, IE। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IE, मतलब आयनेशन एनर्जी। सब्लिमेशन में एनर्जी देनी पड़ेगी कि रिलीज होगी, देनी पड़ेगी, तो मैंने प्लस, है ना, नहीं लिखा है, मतलब वो प्लस ही है, तो ये एब्जॉर्ब होगी। IE का मतलब था हमारे लिए यहां पर कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये वाली एनर्जी भी क्या होगी, एब्जॉर्ब। ओके, तो एक काम हो गया, आप Na प्लस पर आ गए हो। ऐसे ही आप चाहते हो कि किस पे आ जाओ, आप Cl माइनस। अब Cl माइनस पे कैसे आओगे, ठीक है ना। सबसे पहले Cl2 मतलब मॉलिक्यूल है, अगर आपको एनायन बनाना है तो एनायन बनाने के लिए वो आइसोलेटेड किस फॉर्म में होना चाहिए था, एटम। तो आपको मॉलिक्यूल को किस में बदलना पड़ेगा, एटम। इसमें Cl और Cl के बीच में क्या है, बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ दूं तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एटम, ठीक है ना। एटम मिलकर ही मॉलिक्यूल बनाते, मॉलिक्यूल को तोड़ दो तो वापस किस में चले जाएगा, वो एटम। तो मैं यहां पर इसे D/2, है ना, जहां पर D का मतलब क्या है, मेरा बॉन्ड एनर्जी। जो भी एनर्जी है वो हमेशा एक मोल के लिए है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा IUPAC ने फिक्स करके रखा हुआ। तो ये जो सब्लिमेशन एनर्जी, ये भी एक मोल के लिए, तो मेरे पास एक ही मोल था। आयनेशन एनर्जी भी पर मोल के लिए,
डी जो है वो बॉन्ड एनर्जी है, किसकी बॉन्ड एनर्जी, सीएल और सीएल, वो भी एक मोल के लिए, परंतु मेरे पास यहाँ कितने मोल है, हाफ मोल, तो इसने मैंने डी का क्या कर दिया, आधा, ठीक है ना। तो डी बाय टू जैसे ही मैंने एनर्जी दी, मेरे पास हाफ सीएल टू गैस का मतलब क्लोरीन का एक एटम था वो मिल गया, और अब मैंने इस सीएल को क्या करा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी है ना, माइनस साइन के साथ क्यों लिखूंगा, क्योंकि अब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये आपका सीएल गैस से किसमें बदल गया, सीएल माइनस, है ना, जो आपको चाहिए था, देखो है ना, आप वहां तक पहुंच चुके हो। अब आपको आयंस मिल चुके हैं, कौन कौन से आयंस, Na प्लस और Cl माइनस, और अब अगर इन दोनों ने मिलकर NaCl को बनाया तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी की कौन सी एनर्जी कहलाएगी, मेरा लैटिस एनर्जी, तो माइनस ऑफ Li, क्लियर। तो हमने एक पूरा साइकिल बनाया है, इसलिए साइकिल का नाम ही क्या दिया है हमने, बॉन हेबर साइकिल, ठीक है। अब इस साइकिल में आपको sp पता होगा, i पता होता है, d पता होता है, ea पता होता है, एज वेल एज डेल्टा hf पता होता है। तो दो ओनली अननोन क्वांटिटी क्या होती है, माइनस एल ई। अब कैसे कंपेयर करेंगे भैया, है ना, तो डेल्टा एच एफ को कैन आई राइट डेल्टा एच एफ इक्वल टू ये सब जो मैंने करा है, है ना, मैं किसी कंपाउंड को सिंगल स्टेप में बनाऊं या घुमा फिरा के बनाऊं, दोनों में एंथैल्पी चेंज क्या होगा, मेरा सेम होगा। तो अगर मैंने सिंगल स्टेप में बनाया था देन व्हाट वाज माय एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच एफ, और अब मेरा एंथैल्पी चेंज अगर घुमा फिरा के बना रहा हूं तो कितना हो गया, एस प्लस आई ई प्लस डी बाय टू माइनस ई ए माइनस एल ई। इस साइकिल को ही आप बॉन हेबर साइकिल बोलते हो, जो एट प्रेजेंट मैंने एल ई को डिटरमाइन करने के लिए निकाला है, ठीक है ना। बट इन जनरल हम लोग इसमें से कोई भी क्वांटिटी वो अननोन कर दे रहा है तो मैं उसे आसानी से क्या कर सकता हूं, फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, चलो जैसे हम लोग, सो वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन, सेटअप बॉर्न हेबर साइकिल फॉर एमजीओ सॉलिड। तो अगर मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, सेटअप बॉर्न हेबर साइकिल फॉर एमजीओ सॉलिड, ऐसा हो जाए मेरा क्वेश्चन, तब मैं एमजीओ सॉलिड के लिए बॉर्न हेबर साइकिल कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले तो अगेन मैंने आपसे भी बोला कि मुझे एमजीओ सॉलिड की क्या लिखनी पड़ेगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन, दैट इज डेल्टा एच एफ। अब वो किस तरह से लिखेंगे, जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो आप पहले उसके रिस्पेक्ट में लिख दो Mg सॉलिड प्लस O2 गैस, तो दोनों रिएक्ट करके Mg सॉलिड प्लस O2 गैस बना देंगे आपका MgO सॉलिड। तो ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन हो गई। अब मुझे पूरा साइकिल बनाना है, तो सबसे पहले तो मैं वापस इसे S दे दूंगा, सब्लिमेशन एनर्जी, ताकि ये Mg सॉलिड से Mg गैस में लग जाए, ठीक है ना। उसके बाद चूंकि MgO में Mg प्लस टू स्टेट में, तो दो पॉसिबिलिटी से कि हो सकता है वो IE डायरेक्ट दे दे, यहाँ IE1 और IE2 करके दे। IE1 का मतलब क्या, पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Mg प्लस में गया, ठीक है ना, फिर आप चाहो तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हो, मतलब Mg प्लस टू में, इस तरीके से, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी कि वो इकट्ठे केवल, अगर वो आई बोल रहा है, ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम में केवल आई दे रहा है और आपको उसे प्लस थ्री तक ले जाना है, तो इसका मतलब वो टोटल आई है, आई वन भी उसमें जुड़ा हुआ है, आई टू भी जुड़ा हुआ है और आई थ्री भी, और अगर अलग अलग दे रहा है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। इधर मेरा एक काम हो गया कि मैं कहां तक पहुंच चुका हूं, एमजी प्लस टू। अब अगर मैं ओ टू गैस की बात करूं, ठीक है ना, तो ये तो गैस फॉर्म में ही है, तो इसमें मुझे पहले फॉर्म चेंज करने के लिए तो एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है, बट मुझे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि O2 का मतलब O और O के बीच में बॉन्ड है, पहले मुझे एटम के फॉर्म में लाना है। तो अब मैंने इसे कौन सी एनर्जी दे दी, डी, तो ओ टू गैस का बीच का डबल बॉन्ड टूट कर किसमें बदल गया, टू ओ गैस,
है ना, वहां पर हाफ सी एल टू था तो एक एटम बना, बाकी यहाँ पर दो एटम थे तो दो एटम बने। मुझे दोनों को ही किस फॉर्म में लाना है ना, ओ माइनस टू गैस के फॉर्म में। तो अगेन देयर इज पॉसिबिलिटी कि या तो वो ई ए डायरेक्ट दे दे या फिर ई ए वन और ई ए टू। अगर वो ई ए वन दे रहा है तो फर्स्ट वाले में तो एनर्जी आपका रिलीज होगी और वो माइनस टू ई ए वन, क्यों टू, क्योंकि दो मोल है। एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जितने मोल्स होंगे उससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सब करते हुए चलना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। फिर यहां पर तो ये आपका टू ओ माइनस गैस बना, हाँ एम जी ओ है बिल्कुल सही, तो हाफ है तो फिर ये करने की कोई मुझे जरूरत नहीं है। ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा ई ए वन। अब ये ओ माइनस गैस जो बना है, इसके बाद ये सेकेंड वाली स्टेप पीरियोडिक टेबल में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था क्या, फर्स्ट वाली प्रोसेस तो ई ए के टर्म्स में पॉजिटिव होती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, बट सेकेंड वाला ई ए सभी के लिए क्या होता है, ई ए सभी का नेगेटिव होता है, ई ए नेगेटिव होता है मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, ई ए पॉजिटिव मतलब एनर्जी रिलीज, तो इसलिए मैंने माइनस साइन के साथ इसलिए लिखा है ताकि एनर्जी रिलीज हो, या पर प्लस इसलिए कि एनर्जी क्या हो रही मेरी एब्जॉर्ब। तो आप किस फॉर्म में आ गए अपना ओ माइनस टू के गैस के फॉर्म में। अब इन दोनों ने मिलकर आपका क्या बना दिया, लैटिस बना दिया, ठीक है ना। और लैटिस की स्टेबिलिटी है ना, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो किस तरह के आयन से उनके ऊपर ही डिपेंड करेगी। आयन जितना छोटा होगा अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा ज्यादा, और लैटिस उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा मजबूत, है ना। तो दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगर अभी मैं देखूं तो अब जो एनर्जी रिलीज हो गई वो एनर्जी ही मेरी कौन सी एनर्जी हो गई, लैटिस एनर्जी। तो मुझे चाहे तो जिसका चाहे उसका बॉन्ड है, बस साइकिल अब मुझसे पूछा जा सकता है। अब इसके लिए मैं कंप्लीट प्रोसेस क्या लिखूंगा अपना, डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू एस प्लस आई वन प्लस आई टू, ठीक है ना, प्लस डी बाय टू, बिल्कुल सही, तो इट इज डी बाय टू माइनस ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस एल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका, तो वी आर स्टॉपिंग अवर लेक्चर हियर टुडे।